आपका क्या नाम है? कोमल है। अच्छा, आपको अभी क्या क्या दिक्कत थी पहले? मेरे पहले गठिया बात की दिक्कत थी, जैसे कि सारे शरीर के अंदर गांठें गांठें बन जाती थी, तो ना ही तो खड़ा चला जाता था, ना ही खड़ा हो जाता था, ना इतनी देर बैठ सकती थी, बस सारा दिन सोए सोए रहती थी। अच्छा, कितने टाइम से दिक्कत है आपको? मुझे हो गया 1.5 साल हो गए। 1.5 साल हो? कैसे हो गई ये वाली दिक्कत? पता नहीं, कुछ डॉक्टर तो ऐसे कहते हैं कमजोरी की वजह से हो गई, कोई कहते हैं कि जो बुखार होता है जोड़ों वाला उनकी वजह से हो गई, कोई कहते हैं कि खून की कमी से हो गई। काफ़ी जगह से दवाई ली मैंने, सब बहुत बड़े बड़े डॉक्टरों से दवाई ली, कुछ फ़र्क नहीं पड़ा। उसके बाद पापा यहाँ पे काम लगे हैं अर्थ, यहाँ पे फैक्ट्री में माँ बाबा, तो यहाँ से अंकल ने घेर लिया था अर्थ माया, उससे आराम है 1.5 महीना गए मुझे घी लेते हुए, सुबह शाम लेते हुए 1 चम्मच, तो काफ़ी आराम है अब तो खाना। अच्छा, पहले कहाँ से इलाज चल रहा था? पहले मैंने यहाँ पे भी, पहले मैंने बेनीवाल हॉस्पिटल से इलाज करवाया था, और उसके बाद जैन हॉस्पिटल से करवाया, और फिर ये जो अपनी मनोज शर्मा हड्डी वाला डॉक्टर, इनसे करवाया था। और दिक्कत कैसे आ रही थी, मतलब क्या क्या दिक्कतें थी गठिया बाबा में? दिक्कत ये थी कि हाथ पैर सारे मुड़ गए थे, खुद से चक के कुछ नहीं खा सकती थी, और थोड़ा जैसे खाना पीना भी छूट गया था, और यहाँ पे दवाई दुई ली कुछ फर्क नहीं पड़ा। उसके बाद ये चालू करने के बाद काफी आराम है मुझे, अब दिन में 3-4 बार खाना भी खा लेती हूँ, फल फ्रूट भी खा लेती हूँ, और अपना काम भी कर लेती हूँ घर का। अच्छा, तो अभी कैसे ले रहे हो, घी कैसे ले रहे हो? घी सुबह मैं 5 बजे उठती हूँ, चाय पीने से 1 घंटे पहले मैं 1 चम्मच घी ले लेती हूँ, और शाम को 4 बजे की चाय से पहले लेती हूँ 1 चम्मच। और कोई परिवर्तन किया है खान पान में? हाँ, खान पान में परिवर्तन है, जैसे खाना पीना तो अब सारा कुछ कर लेती हूँ, पहले तो 6 या 7 दिनों से आधी रोटी खाती थी, खाना नहीं खाती थी 6-7 दिन तक, और वो भी खा ली तो उल्टियाँ लग जाती थी, अब तो आराम, अब कुछ नहीं होता। अच्छा, और वो पुरानी वाली दवाइयाँ चल रही हैं या बंद हो नहीं, गई? वो मैंने बंद कर दी। चलो ठीक है। फिर तो बच्चे भी डरने लग गए थे मुझसे, छोटे वाले वो मेरे पास ही नहीं आते थे, अब खेलते हैं, अब कुछ नहीं होता, टीवी टावी वापस से लगवा दिया, बच्चे भी आराम से रहते हैं। अच्छा, तो मतलब वो परेशानी के कारण चिड़चिड़ापन रहता होगा कि कोई नहीं आए मेरे पास। तो खाना वगैरह पहले कैसे खाते थे? 6-7 दिनों से आधी रोटी खा लेती थी, खुद से खाया जाता था? नहीं, मम्मी खिलाती थी, उल्टी आ जाती थी। नहाना धोना कैसे फिर मम्मी? अच्छा, मम्मी दोनों। तो मतलब क्या कोई जोड़ों में दर्द वगैरह रहता था, क्या रहता था? जोड़ों में वैसे दर्द वगैरह तो काफी रहता था, जैसे कि अब मैं अकेले बैठी हूँ ना, तो बैठा नहीं जाता था, और सोई होती थी तो एक पास से मम्मी बैठती थी मुझे बिठाने के लिए, फिर भाभी कुछ खाना पीना खिलाती थी। अच्छा, ऐसे मतलब ऐसे नहीं तो बैठा भी नहीं जाता था सही तरीके से आपसे? सारे से बैठा भी नहीं जाता। मतलब कुल मिला के अर्थमाया एलोवेरा घी आपके लिए बहुत सही रहा? हाँ। और बहुत फायदा है गठिया बाब में? बहुत ज्यादा फायदा है, बहुत ज्यादा फायदा है कि आप पहले उठ भी नहीं पाते थे, अब तो आराम से बैठ रहे हो, अपनी सिलाई वगैरह कर रहे हो, अपने सूट खुद सुन रहे हो, अब 3-4 बार भूख भी सही लगती है। चलो बढ़िया। और कोई अपने कोई और मतलब अर्थोमाया एलोवेरा घी के साथ और कोई खाने में तो कोई बदलाव नहीं किया जैसे पहले खाते थे? पहले तो बल्कि खाते ही नहीं थे? पहले तो खाना खाती नहीं थी मैं, अभी खाना पीना खाने लगती हूं। जूस वगैरह कुछ ले रहे हो साथ में? हां, जूस वगैरह लेती हूं, सुबह शाम दाल और खा लेती हूं, जूस पी लेती हूं, पर फ्रूट अब तो सारे खा लेती हूं। और ये सारा जो आपको फर्क नजर आया वो मतलब 1.5 महीना हो गया आपको लेते हुए, और जैसे आपने पहले 1-2 दिन लिया तो फर्क धीरे धीरे कैसे पता, मतलब कितने दिनों में आपको फर्क आ गया दवाई से? धीरे धीरे जैसे ये लेना स्टार्ट किया था तो मुझे 3-4 दिन तो खांसी सी बहुत होने लगी थी, फिर उल्टियाँ लगी मुझे, उसके बाद जाके मुझे आराम मिला था। अच्छा, पहले पहले मुझे उल्टियाँ लगी थी इससे। अच्छा, मैं जब भी ट्राई किया था तब। हाँ हाँ, या तो फिर आपको अच्छा नहीं लगता होगा कि घी कैसे खा लूं? नहीं, वैसे इससे ना वैसे ऐसे जाले से निकले थे। अच्छा, वैसे उल्टी नहीं लगी, वैसे जाले से पानी सा निकलता था। फिर 3-4 दिन तो ऐसे ही रहा, डाउन सा शरीर हो गया, नहीं तो वैसे जैसे बैठ तो पहले से नहीं पाती थी, कुछ वैसे हो गई। उसके बाद उल्टी आने के बाद काफी आराम मिल गया शरीर को, फिर भूख लगने लगी धीरे धीरे, जैसे कि अंदर जो भी दवाई दवाई से जिमी हुई थी वो सारे निकल गया घी लेने की वजह से। तो फिर जब चालू किया था तो पहले 2 बार लेते थे घी, एक ही बार ले रहे थे? तब मैं 2 बार लेती थी, सुबह और शाम, खाली पेट लेते थे। हाँ, पेट खाने से 1 घंटे पहले। हाँ। सुबह ले रहे थे आप 5 बजे करीब ले लेते हो, कितने बजे ले लेते हो? 5 बजे
और फिर शाम को आप 4 बजे ले लेते हो। और कोई अपन को विशेष बात किसी को बतानी हो, या फिर कोई आपने परहेज रखा हो साथ में, कोई परहेज वगैरह रखा मैंने हो? इससे कोई परहेज नहीं रखा, खाने पीने में भी कोई। और मैं ये कहना चाहूंगी कि इससे अथमाएगी, अपने इतने बड़े बड़े डॉक्टरों को दिखा रहे, इतनी ज्यादा दवाई ले रहे महंगी महंगी। जी, कोई ज्यादा महंगा नहीं है, 1100 रुपये या 1200 जो भी डब्बा आता है वो महंगा नहीं है। हम ये ट्राई करेंगे तो हमें विश्वास करना पड़ेगा, तभी हमारा ये काम करेगा।